कल के भारत बंद के कॉल पे व्यस्त होने के बावजूद इस कार्यक्रम में आगे बढ़े और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, मैं और धर्मेंद्र भाई और दूसरे कुछ साथी लंबे अरसे से ये चर्चा में लगे थे कि राजस्थान में एक तगड़ा एक युवा आंदोलन खड़ा हो, और स्वाभाविक रूप से जब धर्मेंद्र भाई है, साथी प्रदीप है, मीणा जी है, मैं हूं, भवन भाई है, हम सभी इस प्रोसेस में लगे हुए हो जिसमें ज्यादातर दलित समाज के साथी है, आदिवासी और मुस्लिम समाज के साथी है, तो एक स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नाम हम लोग उसमें दे न बैठे। इस बात को लेकर हम लोग बहुत कॉन्शियस थे। तो मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि जाति और धर्म से न जोड़ते हुए इस प्लेटफॉर्म जो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि एक बड़ा संगठन और मूवमेंट पूरे राजस्थान में खड़ा करेगा, उसका नाम टीम राजस्थान है। आज हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे रोज राजनीति हो रही है, और माननीय फेकू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये राजनीति और भी जो तेज हुई है, और धर्म के नाम पे उन्माद को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इस परिस्थिति में भीम सैनिक दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों की और भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कभी ना कभी इस जाति और धर्म की चपेट में हम लोग भी ना आ जाए। इस चेतना, इस कॉन्शियसनेस के साथ हम लोगों ने इसका नाम टीम राजस्थान रखा है। तो टीम राजस्थान जाति और धर्म से ऊपर उठकर महंगाई और भ्रष्टाचार, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, और इस देश में चल रही कॉरपोरेट लूट और किसानों की आत्महत्या, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार, इन असली मुद्दों के ऊपर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आज अप्रैल फूल का डे है, तो हमें लग रहा है कि इस विश्व मूर्खता दिवस पर, इस इंटरनेशनल अप्रैल फूल डे के अवसर पर पूरी मानव सभ्यता को नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं मिल सकते। और आज में भी किसी ने व्हाट्सएप पे हमको भेजा कन्हैया कुमार का ट्वीट, तो कन्हैया ने बड़ा अच्छा लिखा है कि पिछले 70-80 साल में मूर्खता दिवस पर किसी प्रधानमंत्री को कभी इतना याद नहीं किया गया। आपको सुनकर आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा कि हम जहां से चुनाव जीते वड़गा, वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भवन भाई, कुछ साल पहले फेकू महाराज ने वहां पर जाके स्टेटमेंट दिया, एक मनु महाराज है, दूसरे फेकू महाराज है, उसी विरासत से आते हैं। तो उन्होंने वहां जाकर स्टेटमेंट दिया, मेरे चुनाव की कैंपेन में बड़ा मजा लेते लेते मैं कहता था कि भाइयों बहनों, बनासकांठा की धरती पर किसान, आप हैंडपंप चलाएंगे और हैंडपंप में से पानी नहीं खनिज तेल निकलेगा। ₹125 करोड़ जनता का तेल निकल गया, हम आप पीने का पानी भी नहीं आया। तो आज विश्व फेंको दिन के अवसर पर हम सारे लोग साथ में मिलकर, एक्चुअली इसे एक पार्क बनना चाहिए, एक फेकू गार्डन हो जिसके बीच में नरेंद्र मोदी का पुतला हो, ऊपर तख्ती पर लिखा हो फेकू महाराज,
और जितने जितने झूठ बोले उन सभी की तख्ती लगाई जाए। कि दिसंबर 2011 गुजरात का भरूच जिला ये स्टेटमेंट दिया था, खोदा पहाड़ निकला चूहा। दिसंबर 2013 इस जगह पर ये स्टेटमेंट दिखा था, ये रिव्यूज की रियलिटी। ऐसा एक फेकू गार्डन की स्थापना होनी चाहिए जिसके बीच में मोदी जी का एक स्टेच्यू लगा हो। और जितना भी झूठ उन्होंने बोला है, बहुत तगड़े आदमी जमकर बोलते हैं झूठ, स्पेशलाइजेशन उनका। तो दूसरी किसी जगह पे गुजरात ने एक बार ऐसा कहा, भाइयों बहनों आप टमाटर की खेती करो, आप पोटेटो की खेती करो और आपकी चिप्स चाइना वाले भी खरीदेंगे। तो पिछले 4-5 साल से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत फ्रेंक एसेसमेंट करें तो झुमरू के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं मिला। अब इस परिस्थिति में हम केवल उसका लुत्फ उठाकर भाग नहीं सकते, क्योंकि झुमरूबाजी के साथ साथ एक बेहद ही खतरनाक चीज उन्होंने की है, और वो है घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता के नाम पर राजनीति। और इनकी इस राजनीति के चलते ही इस देश की जनता अपने रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा चिकित्सा और महंगाई, इन असली मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जाए, यह उनका क्लियर इंटेंस है। तो आज टीम राजस्थान के लॉन्चिंग के इस अवसर पर, जबकि ज्यादातर साथी दलित समाज से है, कुछ साथी मंच के ऊपर और ऑडियंस में आदिवासी और मुस्लिम समाज से भी है, तो मैं तो मानता हूं दलित आदिवासी मुस्लिम ये दम, इस दम से बनी हुई टीम राजस्थान, राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक गांव के अंदर इस मुद्दे को ले जाए कि 2 करोड़ युवा को रोजगार का जो प्रॉमिस दिया था उस प्रॉमिस का क्या हुआ, और हमारे बैंक के अकाउंट में जो 15 लाख रुपए आने वाले थे उस 15 लाख का क्या। साथियों, जिस तरह से राजस्थान के चुनावों को लेकर भाजपा की सरकार डरी हुई है और वसुंधरा जी का राज जाने वाला है, ये जितना जितना साफ होता जा रहा है उतने उतने दंगे भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। यही काम उन्होंने अभी कर्नाटक में जहां चुनाव वहां पर भी लागू किया, गुजरात के चुनाव के वक्त भी कॉम्युनल कार खेलकर एक हिंदुत्व की लहर दोबारा खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक, अल्पेश और मैं, हम तीनों लोगों ने तय कर दिया था वो जितनी भी हिंदुत्व की बात करे हम उतनी ही नर्मदा का पानी मांगेंगे, वो जितना ही राम मंदिर की बात करे हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे, वो जितना ही हिंदुत्व की बात करे हम 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे और बात करेंगे किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो साथियों, एक तरह से गुजरात की जनता ने एक छोटे स्केल पर यह दोबारा एस्टैब्लिश किया कि यदि हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए जो असली सवाल है, जो मटेरियल इश्यूज है, जो इकोनॉमिक इश्यूज है, उसके ऊपर जमकर यदि हम बात करते हैं तो एक हिंदुत्व की काट को हम लोग ढूंढ पा रहे। तो टीम राजस्थान के सारे साथी और आने वाले दिनों में इस टीम के साथ जितने भी साथी जुड़ने वाले हैं उन सभी को एडवांस में उनके बीच में ये मैं प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि जून जुलाई के महीने के दौरान जिस तरह से अहमदाबाद के ऊना के हम लोगों ने
एक यात्रा निकाली जिसमें पूरे देश के अंबेडकराइट वामपंथी प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े हुए सारे लोग वहां पर आए और एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। बिल्कुल उसी तरह की एक रैली, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले और 15 लाख हमारे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट हो, इन दो मुद्दे के ऊपर राजस्थान में हमको निकाले। साथ साथ साथी भवन जी से भी मेरी सुबह बात हो रही थी और आज उन्होंने करेड़ा है ना, करेड़ा का जो रिपोर्ट पब्लिश किया पब्लिक डोमेन में, वो रिपोर्ट लाए, उसके कुछ मैं मुद्दे देख रहा था तो बात तो बहुत साफ है। वसुंधरा राजे की सरकार निर्विवाद तौर पे संत का चोला पहनकर बैठे हुए एक आदमी ने बिल्कुल ही गैरकानूनी तरीके से करीब करीब 20 करोड़ की दलितों की जमीन के ऊपर गैरकानूनी जो कब्जा करके रखा है और उस मामले में ऑफेंस दर्ज हुआ है, बावजूद उसके गिरफ्तारी नहीं हो रही, उस मुद्दे को उठाने के लिए मैं इस पद पर से घोषणा करता हूं कि 14 अप्रैल गुजरात में मनाएंगे और 14 मई हम इस बार करीना में मनाएंगे और फिर देखते हैं कि वसुंधरा की सरकार ऑफेंस दर्ज होने के बावजूद एक्शन कैसे नहीं लेती, यह हम पर तय करना है। और यदि हो सके तो यात्रा हमारे वड़गाम से निकले और करीना में पहुंचे ताकि दलित मुस्लिम एकता की बात तो हो ही हो लेकिन गुजरात और राजस्थान के जन आंदोलन की एकता की भी बात हो। आज मैं आपके बीच में ये जमीन का मुद्दा है उसके ऊपर मैं अपनी 5-7 मिनट लेना चाहूंगा। साथियों, पिछले 20-25 सालों का हम लोग दलित आंदोलन देखे, हमको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली एक ईमानदारी के साथ उसका एनालिसिस करना होगा। हम सारे लोग मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, सारे लोग चाहते हैं कि इस देश में संविधान का जो प्रीएम्बल है उसकी जो प्रस्तावना में जो कहा है कि एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बने, समानता पे आधारित एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र बने, हम सभी को एक समाजवादी लोकतंत्र की चाहत है। हम चाहते हैं कि समाज के केंद्र में किसान और मजदूर हो, गरीब और मजलूम हो, मोदी के चहेते अदानी अंबानी और एस्सार नहीं। तो इसी भावना के साथ, इसी चेतना और विचार के साथ हम लोग सारे आंदोलनों के साथ जुड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 20-25 साल का दलित आंदोलन थोड़ा बहुत अपना ट्रैक्शन मिस कर गया और केवल अस्मिता और एट्रोसिटीज की वारदातों के इर्द गिर्द ही हमारा आंदोलन घूमता रहा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि राजस्थान, गुजरात और पूरे देश के दलित आंदोलन को एक नया ग्लैमर दिया जाए, वो वक्त आ गया है। तो हम लोग कहें कि हमें हर कीमत पर आत्मसम्मान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस देश की सारी जमीनें, सारे संसाधन, सारे मिनरल्स और सारी संपत्ति के ऊपर भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि यदि इस देश में 100 दलित है तो उनमें से 90% से ज्यादा इस देश की प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्रीज और खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूर दलित हैं। तो एक ये देश कास्टिस्ट है, यहां पर जाति व्यवस्था आज भी जिंदा है। तो जाति व्यवस्था के होने के चलते इंसान होने के बावजूद हम दलित हैं, हमको ये पहचान दी गई है। लेकिन साथ साथ सारे के सारे, करीब करीब सारे के सारे दलित पसीना बहाते हैं, इसलिए मजदूर भी है। और हमारी ये जो पहचान है मजदूर के तौर पे, इसको हमें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं। इनफैक्ट बाबा साहब अंबेडकर ने भी अपने जीवन के आखिरी वर्षों में
कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज की, और यदि भी गलत नहीं तो उन्होंने अपने कुछ करीबी साथियों को बुलाकर बैठाकर कहा कि मेरे पूरे जीवन काल के दौरान जो महत्व देते हुए भूमिहीन खेतीहर मजदूर दलितों के लिए मुझे आंदोलन करना चाहिए था उतना भी शायद नहीं कर पाया, तो उसके चलते उनके बेहद करीबी साथी जिनका नाम हम में से बहुत कम लोगों ने सुना है, दादा साहब गायकवाड़, और उन्होंने उस आंदोलन की अगुवाई की, और मैं इतना हैरान हो जाता हूं जब भी एक डेटा एक फिगर मुझे याद आता है, दादा साहब गायकवाड़ और महाराष्ट्र और उस वक्त के दलित आंदोलन के सारे नेताओं ने मिलकर, आप सोचिए कितना जबरदस्त लैंड स्ट्रगल किया होगा इस देश में कि 3,60,000 दलित सड़कों पर नहीं जमीन की डिमांड को लेकर 3,60,000 दलित जेलों में बंद थे। आप सोचिए इस देश के वामपंथी प्रगतिशील आंदोलन में भी शायद इस प्रकार की स्ट्रगल्स की हिस्ट्री बहुत कम मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस विरासत को, इस दादा साहब गायकवाड़ जैसे असली आइकॉन्स को भूल गए। मैं उम्मीद करता हूं हमारी जनरेशन से और आने वाली जनरेशन से कि कांशीराम जी की जो पॉपुलैरिटी है उतनी या उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी दादा साहब गायकवाड़ को मिले, क्योंकि हम जिसको दलित कहते हैं वो तो गांव में बसने वाला भूमिहीन दलित है, तो उसकी बात कौन करेगा। तो मैं आप सभी को टीम राजस्थान के साथ जुड़े दलित समाज के युवा साथियों को खासतौर पे अपील करता हूं कि आप अपने जिले में तहसील में एक आरटीआई लगाए और उस आरटीआई के माध्यम से ये डेटा निकाले कि पिछले 50-60 सालों के दौरान भूमिहीन दलितों को कितनी जमीनों का आवंटन राजस्थान में हुआ, और फिर उस डेटा को ग्राउंड जीरो पे ले जाकर चेक कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि उसमें से कितनी जमीनों का हमारे पास प्रदेश है। मैं गुजरात के मेरे खुद के 9 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे कहता हूं 90% दलितों को आवंटित की गई जमीनों का हमारे पास पजेशन नहीं, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिंगूर और नंदीग्राम होने के बावजूद रतन टाटा को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि सुस्वागतम, और रातों के रातों ओवरनाइट 2-3 दिन के अंदर अहमदाबाद के 25 किलोमीटर की दूरी पर आए सान तहसील में हजारों एकड़ जमीन का आवंटन रतन टाटा को हो जाता है। तो दलित आंदोलन की यह बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चुनौती भी है। यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए हो गई है कि किसी जमाने में नारा था झूठने वाले को जमीन, लैंड टू द टिलर, लेकिन अभी यह नारा लैंड टू द टाइकून्स बन गया है। झूठने वाले को नहीं, अदानी को जमीन, टाटा को जमीन, अंबानी को जमीन, एफआर को जमीन। तो अब जब जमीन का यह नारा लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टाइकून्स बन चुका है, इस वक्त में लैंड स्ट्रगल करना और भी मुश्किल हो गया है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं हमारी मुक्ति का मार्ग यदि जाति निर्मूलन से निकलता है तो जाति निर्मूलन के लिए और अपर कास्ट के कुछ सामंती तत्वों के हाथ में यह सारी जमीन है उसको छुड़वा कर इस कास्ट स्ट्रक्चर के पाए को हिलाने के लिए पूरे राजस्थान में दोबारा एक बार लैंड स्ट्रगल हमको लॉन्च करना पड़ेगा। दूसरी बात आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, 5 मिनट है, 10 मिनट, ठीक है। दूसरी बात साथी, हमारी बहन ने मंच पर से कहा
कि हम जब ये कहते हैं आप सभी भाइयों बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, तो बहने तो करीब करीब है, तो ये बहुत ही एक वैलिड क्रिटिसिज्म हमको करना पड़ेगा। गुजरात में भी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच नाम के संगठन की स्थापना ऊना से लेकर अब तक हम लोगों ने की है, उसको करीब करीब पौने दो साल हो गए, उसके बावजूद हमारी भी कोर टीम में, मैं पब्लिकली एडमिट करता हूं कि ज्यादातर बहने नहीं, किन लोगों की टीम में ज्यादातर बहने नहीं, वो जो सबसे ज्यादा सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये हमारे लिए शर्म का विषय। तो इस परिस्थिति को भी हम सभी युवा साथियों को बदलना है, यदि सचमुच हम ऐसा चाहते हैं और मानते हैं कि नए किस्म का आंदोलन खड़ा हो, एक सचमुच एक ऐसा दलित गरीब और वंचितों का आंदोलन खड़ा हो जो जाति निर्मूलन की ओर ले जाए, तो उसमें बहनों का पार्टिसिपेशन और नेतृत्व दोनों बेहद जरूरी है। और इसीलिए राजस्थान में कभी भी हम लोग जमीन के सवाल को उठाए, लैंड स्ट्रगल्स की बात करें, तो हम लोगों की यह प्रमुख डिमांड होनी चाहिए कि जब भी जमीन का आवंटन हो तो गरीबों को हो, उसमें भी दलितों को हो, दलितों में भी वाल्मीकि समाज को हो, और वाल्मीकि समाज में भी वाल्मीकि समाज की बहनों को हो, और उसमें भी विधवा वाल्मीकि की बहनों को हो, उसमें भी फिजिकली चैलेंज एचआईवी का शिकार बनी लेस्बियन विडो वाल्मीकि बहनों को। तो हमारे इस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को पेनिट्रेट करके वाल्मीकि समाज की विडो बहन के घर में ले जाता है, और यदि इस कॉन्शियसनेस के साथ हम टीम राजस्थान को आगे बढ़ा पाए, तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही जबरदस्त क्रांतिकारी प्रगतिशील चेतना रखने वाला ये जन आंदोलन खड़ा होगा। दूसरी मेरी बात को खत्म करते हुए आप सभी को यह अपील करता हूं कि 14 मई करीना, चलो करीना, चलो राजस्थान, इस कॉल में परसों से हम लोग लग जाए, मैं भी लग जाऊंगा, आप भी लग जाए, और इतना राजस्थान की सरकार में नाक में दम करके रखो कि उनको जख मारा कर भी मुंह खोलना पड़े। साथ साथ कल भारत बंद का कॉल भी दिया गया है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे जैसे उतरूंगा वहीं से मुझे उठा लेंगे, लेकिन हमारे भी साथी वहां पर सड़कों पर उतरेंगे, और सुन रहा हूं कि गुजरात से 10 गुना 20 गुना माहौल राजस्थान में है, तो आप सभी को मेरी अपील है कि भारत बंद का ये कॉल जो एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट ऑलरेडी बन चुका है, उससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। एक ऐसा कॉल जो किसने दिया किसी को मालूम भी ना हो, और इतने बड़े स्केल पर उसका विकेंद्रीकरण हो जाए, इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। और भोगर भाई ने बहुत खूबसूरती से इस बात को हमारे बीच में रखा, तो हम सभी साथी पूरी पूरी ताकत के साथ भारत बंद की इस कॉल में लग जाए। ये कॉल में हमको इसलिए लगना है कि ये जो जजमेंट आया उसमें कुछ बहुत ही खतरनाक मुद्दे उपस्थित की गए। मीरा जी ने बात किया, तो जजमेंट में जब देख रहा था तो उसमें जिक्र आता है कि एट्रोसिटी का कानून बेगुनाह सिटीजन्स को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। तब मुझे सवाल हुआ कि क्या दलित इस देश के सिटीजन नहीं है? ये सबसे फंडामेंटल सवाल उस जजमेंट में से निकल कर आता है। दूसरी बात, आज जहां मैं ठहरा हूं वहां पे कुछ साथियों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डाउरी का जो कानून बना और उसके चलते सचमुच दलील के तौर पे हम लोग मान के चले कि जी हां, कुछ बहनों ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए और 498 में कुछ लोगों को फिट करवा दिया, मान के चलते दलील के तौर पे, लेकिन क्या केवल उसी के आधार पर इस बात को हम खारिज कर सकते हैं
इस देश और दुनिया का ढांचा पूर्ण रूप से पैट्रियार्कल पितृसत्ताक और मर्दवादी है, इस बात में हम लोग दोराई नहीं कर सकते। आज भी दलित मजदूर भी शराब पीकर उसकी बीवी को मार रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से डाउन की कुछ फर्जी कंप्लेंट्स के बेसिस पर उस पूरे कानून को खारिज नहीं कर सकते कि उसके सामने कोई जनरलाइज कमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह दलील के तौर पे माना जाए कि एट्रोसिटीज के कुछ मामलों में फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हो, लेकिन इस रियलिटी से आप कैसे बच पाएंगे कि भारत में हर 18 मिनट में एक एट्रोसिटी की घटना होती है। गुजरात में जिसको मॉडल स्टेट कहा गया, गोगल्स पहनने पर, कुएं में से पानी लेने पर, मंदिर प्रवेश करने पर, लंबे मूछें रखने पर और घोड़े पे सवारी करने पर यदि इंसानों की जाने ली जा रही हो तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ये आपके बारे में बहुत कुछ कह जाता है। और एट्रोसिटी का कानून किस परिस्थिति में बना? हमारे देश में हमारा संविधान जो कहता है आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की नाबूदी की उसके खात्मे की बात करता है, तो वो क्लोज तो हमारे संविधान में रख दी, लेकिन यदि अस्पृश्यता कोई पालता है तो उसको कैसे डील करेंगे, इस जाति के कीड़े को कैसे मारेंगे? उसके चलते कई सालों के बाद, 7-8 साल का डिले करने के बाद उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया जिसका पर्पस था कि जाति के कीड़े को खत्म किया जाए, अस्पृश्यता की नाबूदी की जाए। 55 से 65, 75 और अप टू 1989 न अनटचेबिलिटी का खात्मा हुआ, न कास्ट वायलेंस कम हुआ। ये जब इंडिया की पार्लियामेंट को लगा और इंडिया की पार्लियामेंट यानी कि इस देश की 125 करोड़ जनता यानी कि इस जनता के बहुत बड़े तबके को लगा कि यह कानून बहुत ही कमजोर है, एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, एक मजबूत सक्षम कानून को लाने की जरूरत है, तब जाकर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट बना। ऐसे ही नहीं बना है, 3-4 साल पहले इस कानून को और भी नाखून देने के लिए उसमें अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में भी प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट किया गया, जो सजा की प्रोविजन कुछ केस में 2-3-4 साल की उसको 7 साल से 10 साल किया गया। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस देश में केंद्र की सरकार और करीब करीब सारे स्टेट की गवर्नमेंट्स जाति के कीड़े की खात्मे में और अनटचेबिलिटी को खत्म करने में करीब करीब पूर्ण रूप से निष्फल गई है। ये रियलाइजेशन के चलते ही एट्रोसिटी के कानून में यह अमेंडमेंट आया था, लेकिन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जिस प्रकार की कमेंट्स की है उससे यह बात बहुत ही साफ हो गई है कि एट्रोसिटी के कानून के अब न नाखून बचेंगे न दांत। इस परिस्थिति में आप में से कोई कानूनी तौर पे जो लीगल सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप में से कोई इस मामले में पिटिशनर के तौर पे, याचिकाकर्ता के तौर पे जूझ नहीं सकता, तो अब इस मसले का क्या किया जाए? ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने तो कमेंट कर दिए कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है, सिटीजन्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कानून को डाइल्यूट करने की बात तो हो गई, अब हम याचिकाकर्ता के तौर पे एपेक्स कोर्ट का दरवाजा खटखटा भी नहीं सकते, तो क्या किया ये सिचुएशन में? इस सिचुएशन में केवल एक ही रास्ता बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और केंद्र की भाजपा सरकार को बोला जाए कि आप इस मामले में रिव्यू पिटीशन फाइल करो और एपेक्स कोर्ट को कहो कि ये जो टिप्पणियां की गई वो सारी टिप्पणियां ऑनरेबल सर्वोच्च अदालत वापस ले।
सुना है कि शेड्यूल कास्ट के कुछ एमपीज मोदी जी को मिलने गए थे और मोदी जी ने कहा टाटा गुड बाय, यानी केंद्र की यह मनुवादी कास्टिस्ट कॉम्युनल फासिस्ट भाजपा सरकार नहीं चाहती कि रिव्यू पिटीशन फाइल हो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि आप आपकी टिप्पणियां वापस ले, यह भाजपा सरकार नहीं चाहती। तो इस परिस्थिति में मैं सब मानता हूं एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक विधायक के तौर पे, आपके संघर्ष के एक साथी के तौर पे, हम लोग जयपुर के इस मंच पर से आज इस रोज इस वक्त सामूहिक रूप से यह निर्णय करें कि यदि 14 अप्रैल तक केंद्र की भाजपा सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करती तो इस देश के किसी भी स्टेट में बाबा साहब अंबेडकर के स्टेच्यू को मोदी हो, वसुंधरा राजे हो, रूपाणी हो या भाजपा के किसी भी नेता को फास्ट नजर नहीं देंगे। भाजपा की किसी भी नेता को बाबा साहब के स्टेच्यू को हाथ लगाने नहीं देंगे, ये जरूरी हो। और उसके बावजूद भी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होता तो साथियों राजस्थान का चुनाव भी दूर नहीं, 2019 भी दूर नहीं, लड़ेंगे जीतेंगे। और आखिरी बात कहता हूं कि साथियों जैसा कि अब साफ हो चुका है, एक तरफ फूले भगत सिंह और अंबेडकर में मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ है गोवलकर और सावरकर। बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, युद्ध रेखा खींच चुकी है। आप लोग अपनी पोजीशन ले ले, वो लोग अपनी पोजीशन ले चुके हैं और हम लोग इस पद पर से घोषणा करते हैं कि मोदी जी तुमको उखाड़ना है वो उखाड़ लो, मंगल तक तुम्हारा पीछा करेंगे, मंगल तक। और 150 सीटों के जिस गवर्नमेंट को लेकर तुम गुजरात में घूमते थे उसको 99 में ला दिया, वही वजह आने वाले दिनों में टीम राजस्थान तुम्हें राजस्थान में भी चखाएगी। ये जंग है और इस जंग में जमकर ताकत